अब प्लीज काइंडली रीड क्वेश्चन नंबर 16. The speed time graph shows the movement of a car. What does the shaded area of the graph represent? So the total distance traveled by the graph. सवाल सवाल क्या था? सवाल मुझे बताइए, समझाइए क्या कैसे ये आपने ने पूछा है. What does the shaded area of the graph represent? The shaded area of the graph को क्या represent कर रहा है? It obviously represents that the total distance traveled by the car. Speed upon time, yes. तो एरिया अंडर द कवर ग्राफ जो है वो होता है स्पीड और टाइम में डिस्टेंस होता है. अगर हम वेलोसिटी और टाइम कहते हैं तो वो एक्सीलरेशन होता. ठीक है, तो इस तरीके से आपका वहाँ पर फिर हम स्पीड के बजाय आपको वेलोसिटी दी जाती है, तो फिर हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं वहाँ पर. तो अगर वेलोसिटी की जाती है तो हम लफ्ज डिस्प्लेसमेंट यूज़ करते हैं. तो ये टर्मिनोलॉजीज आपने बहुत अच्छी तरह समझनी है. स्पीड के मामले में स्पीड की जब बात की जाती है तो यू विल अप्लाई डिस्टेंस, और जब वेलोसिटी की बात होगी तो आप लेंगी डिस्प्लेसमेंट. सही, ठीक है. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17. पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 17. जी प्लीज. 17 है सर. Two men jump out of an airplane of the same time. One of the men opens the parachute and the other man remain in free fall. What is man in free fall moving faster than the parachute? So ye wala question hum explain kar denge. Dekhi pehle sawal aapko bataya kuch sawal ne pucha kya sir usme pucha hai what why is a man is free fall moving faster than the parachute. मतलब parachute से ज़्यादा क्यों, मतलब वो कर रहा है, मतलब ज़्यादा जल्दी नीचे आ रहा है. तो सर इसका होगा कि मतलब उसपे air resistance. देखिए मतलब ज़्यादा एक कर रहा है उसपे. ये नहीं सवाल जैसे देखिए. Two men jump out of an aeroplane at the same time. एक ही time पे दोनों ने jump लगाई. ठीक है. One of the man opens his parachute. एक ने foreign parachute open कर लिया. दूसरे जो है वो बहुत एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने कहा भाई अभी क्या करना है, अभी तो पैराशूट ओपन करके हमारी जो है स्पीड डिक्रीज हो जाएगी. तो भाई हम तो हमें तो तेजी से नीचे जाना, जो मुकाबला हो रहा है हमें नीचे पहुंचना है तेजी से. तो उन्होंने पैराशूट नहीं खोला. वो एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा भाई हमारी शुरू में तो स्पीड तेज होगी, आगे जाके हम पैराशूट ओपन करके तेजी से नीचे पहुंच जाएंगे. तो उसने अपनी स्पीड तेज करने के लिए पैराशूट खोला ही नहीं. वो इसलिए बहुत फास्ट स्पीड से नीचे की तरफ जा रहा है. One man opens his parachute and the other man remains in free fall. तो वो free fall में जा रहा है. Why is the man free fall moving faster than the parachutist? Yes sir, उसपे air resistance ज़्यादा act कर रही है, that's why. जी, तो बस इसमें यही आंसर आ गया. Why is the man in free fall moving faster than parachutist? पैराशूट वाले ने जो ओपन किया उसकी वजह ये क्योंकि उस पर रेजिस्टेंस कम हो गई. सही है. द पैराशूट एक्सपीरियंस ग्रेटर एयर रेजिस्टेंस, तो इसके ऊपर कम हो गई ना. अपवर्ड और बैकवर्ड दोनों बैलेंस हो गई तो इसकी स्पीड कम हो गई, लेकिन जो तेजी से आएगा वो तेजी से नीचे आएगा. ठीक है. व्हाई इज द मैन फ्री फॉल मूविंग फास्टर देन द पैराशूटिस्ट? तो वो तो उस पर पूरी तरीके से अप्लाई होगी, इस पे तो पूरी फुल अप्लाई होगी एयर. वो तेजी से नीचे आएगा. सही, उस पर एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी. ये एयर रेजिस्टेंस और वेट दोनों बैलेंस होकर एक कांस्टेंट वैल्यू तक पहुंच जाएगा. इस पर क्योंकि वेट ही वेट अप्लाई हो रहा है तो एयर रेजिस्टेंस उसी स्पीड से स्ट्राइक करेगी, तो ये तेजी से नीचे आएगा. सही, आपने गैस किया. क्वेश्चन नंबर 7 इसका ऑप्शन होगा. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18. देखिए क्वेश्चन क्या है. इन्होंने
इस सवाल में कुछ इस सवाल को उन्होंने पूछा है कुछ ब्रेक ब्रेक दे दे, सही है। एक पहले बताया कि 10 सेकंड में अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम ट्रैफिक लाइट फॉर 10 सेकंड्स, एक्सेलरेट्स कर रही है। एक्सेलरेट का मतलब है, एक्सेलरेट का मतलब ये भी हो सकता है कि इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है या स्पीड डिक्रीज हो रही है, दोनों सूरतों में एक्सेलरेट तो होगा वो, ठीक है। तो स्पीड इसकी जरूरी नहीं कि वो स्पीड इंक्रीज हो रही है, हो सकता है स्पीड कम हो रही हो, फिर ज्यादा हो रही है, तो एक्सेलरेट तो दोनों सूरतों में होगा 10 सेकंड। फिर उसके बाद क्या, इट स्टे एट ए स्टेडी स्पीड फॉर 20 सेकंड्स, तो 20 सेकंड से वो स्पीड उसकी कॉन्स्टेंट रहेगी। तो 20 सेकंड यहां पर फैसला हो गया, कौन सा ऑप्शन होगा? बी, बिल्कुल सही है। 30 माइनस 10 आप माइनस कर लें कितना जगह 20, तो 30 माइनस 10 ऑप्शन बी में ही है और किसी में नहीं है। 30 माइनस 10 का ऑप्शन इक्वल टू 20, तो 20 स्टेडी स्पीड है, यानी कि ये टर्मिनल वेलोसिटी है, जैसे होता अगर फ्री फॉलो तो टर्मिनल वेलोसिटी हो, ये स्टेडी स्पीड या कॉन्स्टेंट स्पीड कह लें ग्राफ, सही है। तो स्टेडी स्पीड या कॉन्स्टेंट स्पीड है आपका 20, तो 20 ये ग्राफ से शो हो रहा है, 30 माइनस 10, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया। एंड देन ब्रेक्स टू स्टॉप इन 3 सेकंड्स, फिर उसने ब्रेक लगाया तो डी एक्सीलरेट हो गया, डी एक्सीलरेट होके वो विच ग्राफ शोज द जर्नी, तो ऑब्वियसली जब उसने ब्रेक लगा दिया तो फिर वो स्टॉप होते होते डिक्रीज होके स्पीड इसकी जीरो हो जाएगी। तो ऑब्वियसली ये बी ही इसको जो है सुटेबल है कि उसने स्टडी के बाद ब्रेक लगाया देन डी एक्सीलरेट हो गया स्टॉप हो गया, सही। तो इसका ऑप्शन बी होगा। तो अगर आपको इसकी बहुत अच्छी स्टडी करनी है तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट को जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट को आपने इसमें समझना है, कहाँ स्पीड इंक्रीज होती है कहाँ स्पीड डिक्रीज होती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर, पढ़िए क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 है सर, the speed time graph represents the journey of a car, the dots separate different sections of the journey, there are 6 different sections, how many sections represent the car moving with non-uniform acceleration? Non-uniform acceleration, इसका मतलब क्या हुआ, पहले बताइए non-uniform. Sir, non-uniform acceleration. नॉन यूनिफॉर्म से अगर आपका माइंड है फौरन आप क्लिक कर जाएंगे, मतलब सर कि ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता इक्वल टाइम में, मतलब वो टाइम के साथ साथ नहीं चलता, उसकी स्पीड कभी कम हो रही कभी ज्यादा हो रही, कभी कम हो रही कभी ज्यादा हो रही, तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं उसकी स्पीड किसी जगह पर कॉन्स्टेंट नहीं हो, इसी मतलब किसी जगह कॉन्स्टेंट ना रहे, कभी इंक्रीज हो रही कभी डिक्रीज हो रही है स्पीड, तो वो कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म, यानी टाइम के स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो आपके टाइम है गिवन टाइम है उसमें कभी इसकी स्पीड कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, तो इंटरवल ऑफ टाइम जो आपका गिवन है उसकी स्पीड में वेरिएशन आ रही हो तो वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाती है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जहां पर आपको कर्व जो स्पीड है इस सूरत में जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है तो उसमें इसकी स्पीड में एक कर्व आएगा, जब स्पीड कम हो रही है ज्यादा हो रही है तो उस सूरत में स्पीड अगर आपके पास कांस्टेंट है, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो आपको पता है कि आपके पास एक जो है वो टिल्टेड लाइन आती है अगर कांस्टेंट होती है, अगर स्पीड उसकी बिल्कुल फिक्स हो जाती है टर्मिनल वेलोसिटी वाली बात आती है, स्पीड फिक्स एक वैल्यू में पहुंच गई और उससे चेंज नहीं हो रही, फिक्स वैल्यू के ऊपर चेंज नहीं हो रही है, तो उस सूरत में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। इसी तरह अगर कहीं ग्राफ रैपिडली नीचे की तरफ आ रहा है यानी कि एक हाई वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ तेजी से आ रहा है और वो स्ट्रेट लाइन है तो उसका मतलब वो डीएक्सीलरेट हो रहा है, तो लेकिन अगर कहीं कर्व फॉर्म हो रहा है तो उसका मतलब कभी वैल्यू कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो इस तरह से किन इसमें ऑप्शन क्या होगा, मैंने तो बात खत्म कर दी, इजी कर दी आपके लिए। इसमें सर के ऑप्शन सी होगा, 2 पॉइंट्स। कौन कौन से 2 पॉइंट बताइए? जो कांस्टेंट है वो वाले सर, जो कांस्टेंट यहाँ पर वेरिएशन आ रही है एक्सेलरेशन, यानी कि एक कर्व ये आ रहा है लेकिन जहां पर मेरे पास
आपने सही बताया, यहाँ पे एक कर्व आ गया, ठीक है, और दूसरा कर्व आपके पास ये आ गया जी, इस तरह दो कर्व आपके पास आ गए, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। ओके सर। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20। A student walk at a constant speed. He takes 100 seconds to walk 160 paces. Mm-hmm. The length of each pace is 0.80 meter. How far does a student walk in 50 seconds? So, अब आप सिंपल सी बात है, how far the student walk? आपको डिस्टेंस मालूम करना है, how far distance? कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए, स्टूडेंट वॉक्स एट कॉन्स्टेंट स्पीड, ही टेक्स 100 सेकेंड्स टू वॉक 160 पेस, उसने जो कवर किया डिस्टेंस वो कितना, 160, 100 सेकेंड में, द लेंथ ऑफ ईच पेस इज 0.80, How far does the student walk in 50 seconds? ये आपको मैं ऐसा करें, होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन नोट कीजिए, कल मैं क्लास जब लूंगा तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, ये आप कैलकुलेट कीजिएगा, कल मैं क्लास लूंगा, अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही है, अभी मैं फिर आपको बता दूंगा टाइम कल, सही ना? तो फिर मैं आपको कल बताऊंगा, ये आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अ स्टूडेंट वॉक्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, ही टेक्स 100 सेकंड्स टू वॉक 160 पेस, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, फिर इंशाल्लाह कल आपको मैं टाइम बता दूंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बता दीजिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज़।